वो कैसे यहाँ पर श्रमिकों को वो लाभ दे पाएगी, कैसे यहाँ पर लोगों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध करवा पाएगी, कैसे युवाओं का रोजगार ना छीने इस बात को सुनिश्चित कर पाएगी, इस बात को बिना सुने बिना समझे और लगातार कोरोना महामारी के लिए कोई भी ऐसी नीति बनाने में वो विफल साबित हुई जिससे कि कोरोना महामारी को रोका जा सके और जीवन यापन को भी सुलभ बनाया जा सके। और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी उसी नीति पर कायम है, उसे लोकतंत्र में जनता के लिए कोई परवाह नहीं है, जनता की भावनाओं को सुनने की कोई इच्छा नहीं है और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करने की उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। और इसी बात का परिणाम है कि आज ये नीट और जेई कोई आज ही नहीं होने थे, हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स पहले होने थे, ये एग्जाम्स ऑलरेडी पोस्टपोन किए गए। तो एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए थी जिससे कि इन बच्चों का भविष्य भी समझ सके और कोरोना महामारी से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हो, डिजिटल की बात करते हो, बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन आपने न तो इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज करने का कोई अपनाने का कोई नीति बनाने का प्रयास किया, न आपने आवागमन के साधन उपलब्ध करवाने के लिए कोई उनकी कोई दिखाई देती है कि हाँ हर बच्चा अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सके, हर बच्चा वहां तक पहुंच सके जहां तक उसको एग्जाम के लिए वहां देना है। ना तो इस तरह की कोई व्यवस्था की गई, ना महिलाओं के लिए, ना वंचित वर्गों के लिए, ना उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ये कोई लोकल परीक्षा नहीं है कि उसी शहर में होनी है, उसी स्टेट में होनी है और हो जाएगी। इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है, दूर दराज गांव के इलाके से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फिर अपने सेंटर्स तक पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहीं कहीं तो यहाँ तक की स्थिति आए कि सेंटर्स के लिए ऑप्शंस देने के बावजूद उनको वो सेंटर्स तक अलोकेट नहीं किए गए जहां तक बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं, या अलोकेशन की वो व्यवस्था नहीं की गई। तो आप सुविधा कोई देना नहीं चाहते, परेशानियां क्या आ रही है उन बच्चों को, इंस्टीट्यूशंस को, कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जाए ये सुनना नहीं चाहते, केवल एक बात अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें परीक्षा करवानी है और करवानी है करवानी है करवानी है, और उसके लिए वो पूरी तरीके से किसी भी तरह के खिलवाड़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। केवल उन बच्चों के नहीं, हम सब जानते हैं बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो है इसमें बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आपको एग्जाम्स करवाने थे तो एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए थी कि कैसे हर बच्चा सेंटर तक पहुंच सके। आज कितनी जगह बाढ़ के हालात है, कैसे वो बच्चा वहां तक पहुंचेगा, कैसे उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए केवल एग्जाम्स करवाने की बात और फिर ये कहना कि हम तो उन बच्चों के भविष्य का ध्यान रख रहे हैं, उन बच्चों का साल खराब ना हो। अरे भाई, युवा यहाँ पर बहुत बड़ा युवा वर्ग आज अपनी नौकरियां खो चुका है, बहुत बड़ा डिग्रीधारी युवा वर्ग आज अपनी नौकरियों की तलाश कर रहा है, अपने परिवार की रोजी रोटी को चलाने में अपने आप को बड़ा ही मुश्किल महसूस हो रही है उसे, उसकी जो एक लाइफ स्टाइल थी वो एक जो जी रहा था आज किस तरीके से छटनी की गई है, कितने युवाओं का रोजगार चला गया है। आपको सोचना है तो उनके बारे में भी सोचिए, आपको सोचना है तो उनको रोजगार दिलाने के बारे में सोचिए, आपको सोचना है उनकी नीतियां बनाने के बारे में सोचिए, लेकिन आप युवाओं को केवल उनके बारे में सोचना, उनके बारे में आगे बढ़ाना, ये आपकी शायद सोच में ही नहीं रहता। आपकी सोच में हमेशा और हमेशा केवल द्वेष फैलाना, केवल भावनाओं को भड़काना, सिर्फ इस तरह की नीतियां रहती हैं और यही बात का परिणाम है कि आज युवा अपने आप को हर तरीके से ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस अपनी यही बात कहना चाहती है कि युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए, युवाओं को किसी तरह की सुविधा न मुहैया करवाते हुए, उनके रोजगार के साधनों को उपलब्ध और आगे बढ़ाते हुए और उनको मौके उपलब्ध करवाते हुए ये कोई काम अगर आप नहीं करना चाहते तो इस तरह की परीक्षाएं करने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इस विरोध के माध्यम से वो हर उस युवा व साथी के साथ खड़ी है जो अपने एग्जाम को लेकर के वहां तक नहीं पहुंच सकता और जो वाकई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो महसूस कर रहा है कि मैं अपना एग्जाम अपना भविष्य किस तरह से अंधेरे में डूबता हुआ देख रहा हूँ। कांग्रेस उनके लिए संघर्ष करती रहेगी और केंद्र सरकार को मजबूर करेगी कि वो यहाँ के युवाओं के बारे में सोचे, देश के युवाओं के बारे में सोचे और उनके साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे में इनको ये एग्जाम कैंसिल करने चाहिए,
और ये कोई कांग्रेस कोई वोट की लड़ाई नहीं लड़ रही है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये देश के नौजवान की, देश की जनता की आवाज उठा रही है। ऐसे में बीजेपी को भी घमंड छोड़ना चाहिए। आपको यदि सत्ता मिली है तो लोगों की आवाज सुनकर समस्याओं का समाधान करने के लिए मिली है। विपक्ष जब भी कोई आंदोलन करता था पहले तो उनको बुलाकर बात की जाती थी। आज मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और इंडिया कांग्रेस कमेटी, बाकी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को बुलाकर बात करें, समस्या का समाधान करें, नौजवानों की आवाज को समझे। मुझे भरोसा है कि सरकार यदि समझेगी तो टकराव नहीं होगा, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन और तेज होगा, जो जी और नीट की परीक्षा इनको कैंसिल करनी पड़ेगी। देखिए जहां तक सितंबर माह का एग्जाम, सितंबर अभी दूर है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कोरोना संकट में देश में नंबर वन काम किया, वो खुद यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को प्रमोशन दिलवा चुके हैं। हमने खुद ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए पास किया इस बार, क्योंकि कोरोना संकट है। ऐसे में सितंबर की परीक्षाएं होगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होगा, और कोरोना संकट में जो भी जनता को बचाने के लिए काम कर सकती है राजस्थान की सरकार करेगी। नेट की परीक्षाएं ऑल इंडिया लेवल पर सोनिया जी ने इसको स्थगित करने का अनुरोध किया है, सारे मंत्रियों ने किया है कि छात्र अभी परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है और इस परीक्षा को स्थगित करना चाहिए। छात्रों के हित में ना कोचिंग है, ना यूनिवर्सिटी कोई चल रही है, ना कॉलेज चल रहे हैं, पूरे इंडिया में बंद है। ये लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन में है, फिर परीक्षाएं किस बात की हो रही है? तो सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज पूरे देश में बंद है, फिर परीक्षाएं क्यों करा रहे हैं? क्या जीती है प्रधानमंत्री जी की? इसलिए सारी सोनिया जी के आह्वान पे हम इन परीक्षाओं को स्थगित करने की सब मांग कर रहे हैं। ठीक सर, सबसे प्रमुख मुद्दा है जिंदगी बचेगी और लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, अवसर भी मिलेंगे, उनका भविष्य भी संभलेगा। लेकिन अगर जिंदगी पे आंच आती है तो कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करती। केंद्र सरकार की या राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं होती है उसके अंदर एक अलग सिस्टम से परीक्षा होती है, वो अलग सिस्टम से परीक्षाओं में लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है, तो रहने का पूरी आता है, खाने का ठिकाना है। आज कोई अपने घर में अपने किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर दे रहा है क्या? तो वो सारी इन चिंताओं को मद्देनजर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अपनी परीक्षाओं को स्थगित करें, जिससे लोगों के जीवन को बचाए। राज्य सरकार भी कई एग्जाम करवा रही है, लघु विद्यालय बैठेंगे, उसमें स्थानीय है सर, किस तरह परीक्षा केंद्र स्थानीय है, परीक्षा केंद्र स्थानीय है, इसमें लोग बाहर से आएंगे, बेसिक अंतर ये है। इस बात को समझना चाहिए, लोगों की जिंदगी को पटन पटाते तक कोई भी काम हो केंद्र सरकार को, किसी भी सरकार को नहीं रखना। हालांकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तृत स्वरूप में इस धरने के आयोजन के उद्देश्य को स्पष्ट किया है, लेकिन मैं भी महेश जी, मैं जब आपकी बात से शुरुआत करती हूँ, मीडिया के साथियों ने जो भाजपा के कुछ नेताओं ने कल प्रश्न दागे, उन्हीं प्रश्नों को हमसे पूछा कि सब आप एग्जाम ऑर्गेनाइज कराते हो तब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तात्पर्य नहीं, कोरोना से कोई तात्पर्य नहीं है, और जब केंद्र सरकार आयोजित करवाए तब उसका तात्पर्य हो जाता है। साथ ही उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ इसका उत्तर भी दिया, जब हमने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाए तो हमारा एक भी छात्र उससे वंचित नहीं रहा, उसके घर के निकट सारे सेंटर्स एलोकेट किए गए, उसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया गया, उसके सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि मैं सोशल डिस्टेंसिंग बोलती नहीं हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। आज कोरोना में तो सोशल कोहेजन की आवश्यकता, यानी एक दूसरे के प्रति जवाबदेही, उत्तरदायित्व ग्रहण करने की आवश्यकता है। और देखिए, जो देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग का और मेडिकल का, यदि उसमें एक भी छात्र वंचित रह जाता है परीक्षा देने से, तो इस सबसे बड़ा अन्याय युवातम भारत के उस युवा के साथ हो जाएगा। मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, और देखिए जब आंदोलन होता है ना, और जनता के लिए आंदोलन होता है एक लोकतांत्रिक देश में, तो सब लोग शिरकत करते हैं, और इन महिलाओं ने, ये भी आई है यहाँ पर, तो इनसे पूछे कि यदि एक महिला वंचित रह जाए किसी परीक्षा के आयोजन से, तो उससे बड़ा अन्याय और नहीं हो सकता। तो क्या मोदी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि ये सारे लोग जो इसके एस्पायरेंट्स हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए सुगमता के साथ सेंटर्स एलोकेट किए गए या नहीं किए गए? इसके बारे में कोई सुविधा या सुनिश्चितता नहीं की गई है, बल्कि ये दुविधाएं छात्रों के मन में है, और यहाँ जो अभिव्यक्ति है ये उस छात्र वर्ग की, युवा के मन की भावना की अभिव्यक्ति या मुखरता है जिसे हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मोदी जी ने दाढ़ी नहीं बनाई, कोरोना हुआ है तब से लेकर अब तक, यानी अपनी तो चिंता है, देश की चिंता नहीं है। आज हम प्रतिस्पर्धा अमेरिका से किस चीज में कर रहे हैं? मौतों में, इन्फेक्शन की दरें बढ़ने में, यानी आप सुविधा देने में अक्षम रहे हैं।
उसके विपरीत राजस्थान राज्य ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में काम किया है, उसमें इन्फेक्शन रेट भी कंट्रोल हो रहा है और साथ ही साथ जनता को पूरी सुविधा दी जा रही है। और आज ही मैंने पढ़ा कि मेडिकल सेक्टर के लोगों के लिए भत्तों की बढ़ोतरी की गई है। ये संवेदनशीलता मुझे मोदी जी में दिखाई नहीं देती है। और उसका दूसरा दुष्परिणाम देखिए, आज सारे राज्य आर्थिक रूप से अपने आप को पंगु महसूस कर रहे हैं। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या समाधान निकला बताया आपको, कि हर राज्य कर्जदार बन जाए और उसको फैसिलिटेट कौन करेगा, केंद्र की मोदी सरकार, आरबीआई से कर्जा ले लीजिए, हम मीडिएट कर देते हैं। यानी कर्जा लेकर राज्यों पर और ज्यादा भार को अधिरोपित करने की नीति के तहत काम करने वाली केंद्र सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि राज्यों के लिए साथ में खड़े हो। और युवा जो हमारे देश के, हम कहते हैं ना युवातम देश हमारा, तो आज युवा की मांग को क्यों नहीं सुनना चाहते। आज एमएनआईटी के बाहर इस आयोजन का कोई प्रतीकात्मक संदेश ही नहीं है, ये संदेश है कि युवातम देश के युवाओं को किसी भी जॉब उसके परीक्षा से वंचित नहीं रखा जाए। और यही कारण है कि आप कोई तिथि घोषित कीजिए, हम ये नहीं कहते आप पोस्टपोन कर दीजिए, हम ये कहते हैं कम से कम उसको आश्वस्त कर दीजिए कि जब आप परीक्षा का आयोजन करेंगे तो सुदूर बिहार में रहने वाला, सुदूर पश्चिम बंगाल के गांव में रहने वाला, हमारे झालावाड़ कोटा में भी बाढ़ की स्थिति बनी है, वहां रहने वाला युवा अपने सेंटर तक सुगमता के साथ पहुंच जाए। जब हमारे श्रमिक, जिनको आप टेलीविजन पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हो, श्रमिक नहीं है राष्ट्र निर्माता है, हमने देखा है कैसे एक मासूम बच्ची अपने पिता के शव पर बिलख रही थी, तब मोदी जी ने ट्रेन नहीं चलाई थी, तब भी राज्यों से कह दिया 85% कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, और बिना ट्रेनों के बिना बसेस के वो श्रमिक हजारों किलोमीटर पैदल चला और अपने गंतव्य तक पहुंचा। तब ना ट्रेन थी ना आज युवा को उसके घर से ला करके सेंटर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन से। और मैंने तो कहीं पढ़ा था आज कि अभी तक सेंटर एलोकेशन पर भी सरकार निर्धारण नहीं कर पाई, तो ऐसे में वो वर्ग वंचित हो जाएगा जो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन पहुंच नहीं सकता। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता किसी लोकतांत्रिक देश में कि वहां के युवाओं को उस परीक्षा के आयोजन में प्रतिभागी बनने से रोका जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं ये सुनिश्चित कर दीजिए, हमारी राजस्थान सरकार ने जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में की थी कि कोई वंचित नहीं रहा, तो हमें क्या आपत्ति है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते क्योंकि आप तो हर जो दुविधा होती है उसको अवसर में परिवर्तित करना चाहते हो, जनता की दुविधा का मखौल उड़ाकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हो। और ये चीजें देखने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि यहाँ पर नीति निर्माण के दौर में यदि देखा जाए तो पूरी तरह से विफल है केंद्र की मोदी सरकार। ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को कोई दूर कर पा रही है, ना लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देने में कोई काम किया जा रहा है, और हो ये रहा है कि जितने डॉक्टर्स हैं और जितने डॉक्टर्स की मौतें हुई उन तक का अपडेशन नहीं किया जा रहा, जितने नर्सिंग कर्मियों की मौतें हो रही है कोरोना से संघर्ष करते हुए उनका अपडेशन नहीं किया जा रहा। और अब तो स्थिति हो गई कि कई राज्यों में जो भाजपा शासित है वहां पर मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, साहब यदि हमें आप सुविधाएं नहीं दे सकते तो आप हमसे कैसे काम करवा सकते। तो कम से कम जिन राज्यों ने प्रतिमान स्थापित किया, विशेषकर राजस्थान राज्य जो कंटेनमेंट मॉडल के रूप में जाना गया, और जिस राज्य ने हमारे डॉक्टर्स के लिए चिकित्सा क्षेत्र के जितने भी हमारे कर्मी, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, वार्ड बॉय हो, इनके जो सुविधा उपलब्ध करे उसका अनुगमन करना चाहिए, उसको साधुवाद देना चाहिए। भाई जी, वैसे आप लोग विधानसभा में जब बात कर रहे थे तब आप लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आपकी तारीफ कर देते हैं तो यहाँ के विधायकों मंत्रियों को क्या आपत्ति है विपक्ष के, लेकिन समस्या ये है कि समाचार पत्रों में छपना और छप करके जनता को भ्रमित करना ये कवायद कर सकते हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। तो मीडिया के साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है ये धरना आप जैसे युवाओं, आपके परिवार से जुड़े उन युवाओं की आवाज को मुखरता देने का काम है जो नीट और जेईई के माध्यम से अपने स्वर्णिम भविष्य को निर्मित करना चाहते हैं, वो वंचित ना रहे। आप ही हमारी आवाज में आवाज को मिलाइए और जनता की आवाज को मुखरता प्रदान कीजिए। धन्यवाद। जय अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों का, इस देश।